मैनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया हैं, हमारा हाथ का सिंबल है और पांच हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था, पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी परिवार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे दो काम होंगे, पहला काम गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो यह हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है, 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेनर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी, तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया, तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप, और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं, आपने देखा
अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं, मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है, बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे।